How are you? Fine, sir. Very good. और बच्चों को बोला था आज आने का? किस किस को बोला? शिवानी वो तो है नहीं यहाँ पे. शिवानी है नहीं यहाँ पे? नहीं सर. और वो सिमरन और आकांक्षा क्यों नहीं आई? ये कौन आया रेडमी पे? रजत आ गया. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ये कौन है रेडमी वाले? अमित जी. हाँ बेटे, अपना नाम लिखा करो. ठीक है जी. जब आता है ना ये अपना ज्वाइन करते हो जब, तो नीचे हाँ अपना हाँ नाम हाँ. अपना नाम लिखो. अमित आ गया, रजत पासी आ गया. राइट. तो अमित की फैमिली आईडी बन गई? हाँ जी, स्कूल में आपसे पूछा था जी. हाँ बन गई ना, बोला होगा. हाँ जी हाँ जी. रजत की? रजत 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 के मेरी आवाज सुन रहा है? रजत नहीं सुन रहा. कैमरा ऑन कर लो अमित. नहीं यस राज, कैमरा ऑन करके रखो तो अच्छा लगेगा. राइट गुड. तो आज हमने क्या किया? क्या याद करना था आज? पोएम सेटिंग. कौन सी पोएम थी भाई? यशराज. एलिमेंट्री स्कूल. एलिमेंट्री क्लासरूम इन द स्कूल इन असलम. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम. कौन पोएट है इसके? हु इज द पोएट? स्टीफन स्पेंडर. स्टीफन स्पेंडर, वेरी गुड. स्टीफन स्पेंडर, तुमने किसके घर पे टीवी चल रहा है? स्टीफन स्पेंडर का नाम हमने पिछली क्लास में भी सुना था. कौन से लेसन में सुना था? 11th क्लास में भी थे स्टीफन स्पेंडर, नहीं थे? ये 12th में ही थे किसी लेसन में. पोएट्स एंड पैनकेक्स किस में? 12th में. पोएट्स एंड पैनकेक्स 12th क्लास में है, उसमें नाम है इनका. ठीक है, स्टीफन स्पेंडर. चलिए, और चलो जब तक दो तीन बच्चे आते हैं, हम देखते हैं नेट पे क्या दिया हुआ है स्टीफन स्पेंडर के बारे में. या क्या नाम है पोएम का? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. An elementary school classroom in a slum. एक बार म्यूट करना सभी बच्चे, ये डिस्टरबेंस कहाँ से आ रही है साउंड में? हाँ अब ठीक हो गया.
देख रहे हो स्क्रीन दिख रही है? आवाज आ रही है? आवाज नहीं? Answers the question. The first question is, the tall girl with her head weighed down means the girl is ill-exhausted, has her head bent with shame, has untidy hair. And the correct answer is, she is ill and exhausted. The next one, the paper seeming boy has eyes means the boy is client secretive, thin, hungry and weak, unpleasant looking. So the correct answer is thin, hungry and weak. The stunted, unlucky heir of twisted bones means अब आ रही है? आ रही है सर. अब स्क्रीन भी दिख रही है? हाँ जी सर. हाँ देख लो अभी पहले. सर आवाज नहीं आ रही. अब आवाज नहीं आ रही? वही तो पूछ रहा हूँ. Answer is they are wasters. अब क्या आ रहा है? The next question is, what do you think is the color? चलो. Walls of the classroom. So sour cream is something. It is a stale cream. It is not at all useful. It tastes bitter. चलो ऐसे सुनते हैं. चलिए, who will begin? धीरज. हेलो धीरज, अनम्यूट करे. गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी गुड मॉर्निंग. कैमरा नहीं ऑन होता? कम है नेटवर्क? हाँ जी नेटवर्क से ऐसे ही आ रहे हैं ना सर जी. ओके तो तैयार है पॉइंट तुझे? हाँ जी हाँ जी. वेरी गुड. क्या क्या याद किया सर जी? वो एन एलिमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन और जी फाइव शॉर्ट सर और जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. वेरी गुड. चलो लॉन्ग आंसर सुनाओ. लॉन्ग आंसर सुनना सबने ध्यान से, फिर क्वेश्चन पूछूंगा मैं. हाँ जी. In this poem, the poet describes the classroom of a school in a slum. Good. In a slum, he deals with them of social injustice. and class inequality. Yes. The poor children in the classroom are pale looking. The hair are like rootless weeds. They belong to the dirty
Right. They belong to the dirty world of cramped holes. Cramped holes. Good. Right. Whose hair were weeds, rootless weeds? Rootless weeds, जैसे बाल किसके थे? Whose hair were rootless weeds, like rootless weeds? Rootless weeds. Weed क्या होता है? Weed. Weed क्या होता है श्राज? Weed. Yes. Beach. Beach. Rajvinder, weed क्या होता है? खरपतवार. Yes, खरपतवार. क्या होती है खरपतवार? जो फालतू की जंगली घास उगाती है गेहूं के साथ, धान के साथ, चावल के पौधों के साथ, है ना, उसे उखाड़ के कहाँ रख देते हैं? मजदूर या किसान उसे उखाड़कर बाहर जो खेत की बाउंड्री होती है उस पे रख देते हैं, और फिर वो कैसे हो जाती है? थोड़ी देर में मुरझा जाती है, सूख जाती है. देखिए ना, सबने सबने दृश्य देखा है, सब गांव के, है ना? हां जी, हां जी, हां जी. जी सर नमस्कार. हेलो. हां जी सर नमस्कार. नमस्कार, फाइन सर. हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू. जी तो ना ग्रुप में वो डालना था मैसेज मैडम वाली रिटायरमेंट पार्टी का 28 को. जी 9 बजे आ जाएंगे. जी जी. और दूसरा वो जो प्लस टू वाला था, दो बच्चे, एक तो आपने बता दिया था लड़की. हाँ, लड़की सिमरन का, और एक वो जो लड़का, उसने शुरू से ही मना कर रखा था, हम वैसे नाम चला रहे थे, जिसको मैंने कहा था ना आपसे, शुरू से बताया था कि जी. हाँ जी, हाँ जी, वो शुरू से ही. अच्छा, वो तो हम वैसे चला रहे थे, क्योंकि नाम अभी ये जब नाम काटने का तो उसने मना कर दिया दोबारा, फिर फोन किया ना उससे, कहता जब मैंने बता दिया था मैंने पढ़ना ही नहीं. हाँ जी, दोनों जी, जैसे वो कह रहे हैं ना, हाँ जी, कर दिया. हाँ चलो, उसका भाई उठाता है फोन, वो उससे बोलते हैं. जी जी, उसके भाई को बोल देंगे सर. हाँ जी, और ठीक चल रहा है? हाँ जी, क्लास चल रही है, 12th क्लास के बच्चे सुना रहे हैं क्वेश्चन अभी ऑनलाइन. हाँ जी, चल रहे, बस आते हैं. 6-7 बच्चे आए हैं बस. हाँ जी, हाँ जी, बस ये तैयारी चल रही है, इनसे सुन रहे हैं. ठीक है सर. हाँ जी, क्या सुना तुमने, अंदाजे लगाओ. रजविंदर अनम्यूट कर. क्या सुना? यस सर. क्या था? किसका फोन होगा? ये मनीष जो है, जिसने मना किया पढ़ने से, ये कौन है? सर जी, मेरे चाचा का लड़का है. तेरे चाचा का लड़का है? उसको बोलना, मैंने मैसेज भी किया था कि भाई एप्लीकेशन लिख दे कि जो मैं पढ़ना नहीं चाहता, मेरा नाम काट दो. लिखवाएगा? ठीक है. मैंने मैसेज भी किया था उसको, व्हाट्सएप कर देगा फिर, जब तू ले आना, जब स्कूल आएगा ना कभी. ठीक है सर जी. लिखवा के अपने पास रख ले. ठीक है सर जी. ठीक है ना, पक्का है ना उसका इरादा नहीं पढ़ने का? हाँ जी, हाँ जी. क्या करने लग गया वो? सर जी बस, जिसका डैडी, उसके डैडी की जी करियाने की शॉप है, उस पे बैठता है जी वो. ओके. उसका डैडी तो ऐसे ही रहता है ना जी, बीमार सा. अच्छा अच्छा, कहाँ है? गांव में ही है, इधर बबियाल में ही. हाँ जी, मेरे सगे चाचे का लड़का है. अच्छा, तो इसका शुरू से इरादा नहीं था पढ़ने का?
हाँ जी शकल कौन सी है इसकी, मुझे शकल याद नहीं है, चलो दिखाना फिर तू इसकी एप्लीकेशन लिख के और इसका फोटो भी भेजना मुझे है, व्हाट्सएप पे भेज देना। और ये सिमरन कहाँ की थी, सिमरन कौन सी थी, कहाँ रहती थी, इसको भी जानता है कोई? स्लीमोर को पता है सर जी, स्लीमोर की तरफ रहती थी क्या? हाँ जी। ओके वो कहाँ रहते हैं? राजीव में ही इस नगर वाली साइड रहते हैं। अच्छा हाँ जी चलो फिर सलीम को बोलना इसके घर वालों से लिखवा लेगा, करता है बात सलीम से? हाँ जी हाँ जी करते हैं। हाँ जी सलीम को बोलना इसके घर इसके भाई से एप्लीकेशन लिखवा लेगा कि वो पढ़ना नहीं चाहती। ठीक है सर जी ठीक है सर। तो फिर ये उसमें लगानी होती है ना रिकॉर्ड में हमने, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें लगा देंगे फिर रजिस्टर। ठीक है। चलो धीरज को मिले हैं 10 में से 5 नंबर। पूरी थी, पूरी तो नहीं सुनाई ना तूने, है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ वीड का क्या मतलब हुआ? खरपतवार। हाँ जो जंगली घास होती है, पालतू की घास, तो किसकी तुलना करता है वीड से कवि? हेयर की, बालों की है ना, स्कूल के बच्चे की, उस लड़की के बाल देखता है वो जो पीछे बैठी है सिर झुकाए, है ना, गंदे बाल हैं उसके, धोए नहीं उसने, कैसे लग रहे हैं, वीड जैसे। गुड चलो अब कौन, ये रेडमी वाले कौन है, अमित है? अमित सुनाओ, अब म्यूट कर लो ये बाकी सारे, ये घर की आवाजें आ रही है ना, घर से आवाज आ रही है, तो अब ये सुनाएगा अमित। कहाँ गए अमित, सुन रहा है, बोलो। इसी का हवाई है अमित, अमित सुन नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही तेरी। चलो रजत। हाँ जी सर जी। हाँ तैयार है पोएम? हाँ जी ठीक है। फैमिली आईडी तेरी बन गई? हाँ जी फैमिली आईडी बन गई, तो उसकी फोटो भेजना मेरे पास, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ठीक है ठीक है। चलो सुनाओ क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर सुनाओ, कैमरा ऑन करते तो बढ़िया, कैमरा ऑन नहीं होता सर जी? होता है जी। फिर सर जी हो रहा है जी, पर जी 2G नेट चल रहा है जी, क्या चल रहा है नेट, 2G नेट चल रहा है जी अभी, 4G। अच्छा फिर ऐसे मुझे आ रहा है जी, तो ये तो कैमरा ऑन करके सुनाना था ना, चल फिर सुना ईमानदारी से, ऐसे तो मुझे क्या पता तू क्या कर रहा है भाई, चल सुना फिर जैसा जी। In this poem, the poet describes the classroom of the school in a slum. Hmm. He deals with theme of social injustice and class inequality. Inequality. The poor school children in the classroom. Hmm. Inequality. Poor children in this classroom are pale-looking. They belong to the dirty world of cramped halls. Their future is dark, but amid them are a few who dream escape into open space. Right. The
poet think that these poor children must be taken out of their dirty and unhygienic condition? Only healthy children can dream high and create history. Very good. Shabas. Chaliye. Rajvinder. Yes. So now, long answer. In this poem, the poet describes the classroom of a school in a slum. He deals with theme of social justice and class inequality. In the class inequality, this future is very dark. They belong to the dirty world of crumpled hole. Their hair are like rootless weeds. And they belong to the dirty world of crumpled holes. But amateurs, them are a few who an escape dream into space. The poet thinks that these poor children are dirty and in hygienic condition. They breathe in fresh and open air. Only young children and strong children can history can change history and create history. Good. चलिए इतना सही है क्वेश्चन. यस राज. छोटा ही है सर. हाँ यस राज. सर छोटा ही है. चलो सुनाओ छोटा. The poet type of class in school in a slum. The poet deals with the. अब आवाज चली गई तेरी. हाँ. आवाज नहीं आ रही प्रॉपर. In space. हाँ ठीक है. The poet thinks that children must be taken out from their dirty and unhygienic condition. Only healthy children can dream high and create history. Good. चलिए अब मैं इसके MCQs पूछता हूँ, उनका आंसर करना है. Identify the literary device. Literary device क्या होते हैं जो कवि अपनी कविताओं को सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अलंकार वगैरह जो हिंदी में बोलते हो ना, उपमा होती है, अलंकार होता है और दूसरी चीजें समास वगैरह होते हैं. तो उसमें से आपने पहचानना है. ऑप्शन भी बताऊंगा मैं. आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन स्लम्स एज बिग एज डूम. क्या लाइन है? स्लम्स एज बिग एज डूम. वो स्लम्स की तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है. कहते हैं इतनी बड़ी स्लम्स एज बिग एज डूम. डूम किसे कहते हैं? डूम वैसे तो डेथ को बोलते हैं. किसको बोलते हैं? डेथ को. लेकिन यहां इसका मतलब कब्र है जिसमें डेड बॉडी को दफनाते हैं ना. तो क्या कह रहा है वो? तुलना कर रहा है स्लम्स की. स्लम्स एज बिग एज डूम. इतनी बड़ी जितनी ग्रेव्स होती हैं, कब्रें होती हैं. तो ये क्या है? सिमली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है या पर्सोनिफिकेशन है? सिमली, मेटाफर, एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन. जैसे हम कहते हैं ना, वो इतना बहादुर है जितना कि शेर है, जितने शेर जैसा बहादुर है. इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एक तो हिंदी में दो चीजें होती है ना, रूपक और उपमा. एक तो रूपक होता है, एक क्या होता है? उपमा. रूपक किसे कहते हैं हिंदी में? रूपक का एग्जांपल दे सकते हो? रूपक. एक रूपक होता है, एक उपमा होती है. जैसे ये दो हैं कि वो तो शेर है, वह शेर है. जैसे हम कहते हैं ना,
कालिदास भारत का शेक्सपियर है, कालिदास भारत का शेक्सपियर है, या वो व्यक्ति शेर है, एक तो ऐसा कहते हैं, दूसरा कहते हैं कि वो शेर जैसा है। इसमें रूपक क्या है और उपमा क्या है? शेर जैसा और शेर। अनम्यूट करके बोले यशराज। शेर जैसा रूपक है जी, शेर जैसा रूपक है, रूपक। और शेर है उपमा अलंकार, ये उपमा है, शेर जैसा और शेर। तो इंग्लिश में सिमिली किसे कहते हैं? जैसा वाले को, जिसमें जैसा यूज करते हैं ना, वह शेर जैसा है। ये क्या है? सिमिली, ठीक है। और वो शेर है, इसको क्या बोलेंगे? मेटाफर। वो तो शेर है, क्या है ये? मेटाफर, रूपक। तो ये बताओ अभी ये क्या है? स्लम्स एज बिग एज डूम, सिमली है कि मेटाफर है? जिसमें जैसा आ गया वो क्या है? उपमा। सिमली है, क्या है? सिमली। दूसरा क्वेश्चन, हूज लैंग्वेज इज द सन, इसमें भी बताओ सिमली मेटाफर क्या है? हूज लैंग्वेज इज द सिन, सन, जिसकी भाषा कौन है? सूर्य है। सूर्य जैसी नहीं, क्या है? मेटाफर। हाँ, ये मेटाफर हो गया, इसमें जैसा नहीं है। जिसमें जैसा है वो क्या है? सिमली। सिमली, जैसे तुम अपनी माँ जैसे हो, ये क्या हो गई? सिमली। सिमली, और कोई कहते हैं ये तो बिल्कुल अपनी माँ, या ये लड़की बिल्कुल अपनी माँ लग रही है, फिर क्या हो गए? मेटाफर। माँ जैसी है तो सिमली, सिमली, और माँ ही है तो मेटाफर, मेटाफर। शेर जैसा है तो सिमली, और शेर है तो मेटाफर, मेटाफर। जैसे शेक्सपियर जैसा है कालिदास तो सिमली, मेटाफर, और शेक्सपियर है मेटाफर। हाँ, ये समझना है, ये क्वेश्चन आ जाता है कैसा। हाँ जी, ठीक। हाँ, एक वो क्वेश्चन है इसमें पोएम में आता है, ब्रेक, ओ ब्रेक, स्टेंजा पढ़ोगे ना जब? आज स्टेंजा भी करने हैं इसके, करे थे स्टेंजा कल? नहीं करे, कंप्रिहेंशन के लिए स्टेंजा करने। ब्रेक ओ ब्रेक, व्हाट शुड दे ब्रेक, क्या चीज तोड़ने को कह रहे हैं वो? डोनेशन, ऑल बेदर्स, द स्लम्स, द स्कूल्स। स्टीफन स्पेंडर क्या चीज तोड़ने को कह रहा है? ब्रेक ओ ब्रेक, क्या चीज तोड़ने को बोल रहा है? गरीबों पर जो भी अत्याचार किए जाते हैं, जो अनहोनी होती है उनके साथ, ना, जो उन्हें वंचित रखा जाता है चीजों से, वो सब समाप्त होनी चाहिए। इनजस्टिस, बेदर्स क्या होनी चाहिए? इनजस्टिस और इनसिक्योरिटी। किससे डील करती है पोएम? इनजस्टिस और इनसिक्योरिटी। एक तो अन्याय होता है उनके साथ, दूसरा क्या है? वो इनसिक्योर हैं, सिक्योरिटी नहीं है, ना घर उनके पास अच्छा है, ना पैसे की उनके पास सुरक्षा है भविष्य के लिए, है ना, और ना किसी और चीज से उनको सुरक्षा का इंतजाम सरकार करती है। चलिए, कल कल ये क्या है काम? कल के लिए क्या दिया मैंने व्हाट्सएप पे आज? The enemy के 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं, और कल कोशिश करना कैमरा ऑन करके लिख के दिखाना मुझे सामने बैठ के, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है ना?
कैमरा ऑन करके ताकि मुझे पता चले कि तुम बिना नकल किए लिख रहे हो। तो ये पिछला रिवाइज करना पोएम के स्टैंजास और फाइव शॉर्ट आंसर क्वेश्चन द एनिमी के। इससे पहले जो दो लेसन है ना, टाइगर किंग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, वो सिलेबस से सरकार ने इस बार काट दिए। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द टाइगर किंग, ये दो लेसन नहीं है। तो अच्छी सीधा फोर्थ लेसन है ये दूसरी किताब का। पहला लेसन कौन सा था? द लास्ट, ये द थर्ड लेवल, और ये कौन सा है? चौथा, द एनिमी। तो हाँ, क्या कह रहा है यशराज? कुछ कह रहा है? हाथ तूने उठाया। चलो कल मिलते हैं फिर, और बच्चों को बुलाना। हाँ, कोई बोल रहा है सर जी? हाँ हाँ जी, क्या बोल रहा, बोलो। वो सर जी मेरी डेट ऑफ बर्थ कल थी सर जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ कल थी सर जी। अब ठीक हो जाएगी, अब जब वो भरेंगे ना फॉर्म तो चेक करवाएंगे दोबारा। कर दी थी मैंने ठीक? हाँ जी, है ना, ठीक है सर जी। वो उसमें कर दी थी, अब जब फॉर्म भरे जाएंगे तो चेकिंग के लिए फिर आएगी तुम्हारे पास लिस्ट, फिर चेक कर लेना उसको। ठीक है, इशिका का नंबर नहीं आया आज, इशिका ने कल सुनाने हैं। ठीक है, और अपना नेटवर्क बचा के रखा करो ताकि कैमरा ऑन कर सको। कैमरा ऑन रहेगा तो अब हम मैं और ये रजविंदर दिख रहे हैं बस, बाकी सब भूत हैं, अदृश्य है ना। तो भूतों से बात करना ठीक नहीं रहता, सामने शक्ल भी होनी चाहिए ना। वो तो घर में हम बैठे हैं सब अपने अपने। कल कोशिश करना अपना नेटवर्क अच्छा बना के, कल कोशिश करना। हाँ ओके, सी यू देन।